The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadhshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. सबसे पहले महालनोबिस का हमें ग्रोथ मॉडल समझना है. या फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. ठीक है, मालनोबिस कौन थे? मालनोबिस आपके बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, और उसके अलावा बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और बहुत कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिस्ट के फील्ड में इंडिया में. इनफैक्ट जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो भी इन्हीं के इन्फ्लुएंस में सेटअप किया गया था. तो अब मालनोबिस ग्रोथ मॉडल जो थे ये बहुत अच्छे दोस्त थे और एडवाइज़र थे जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे एडवाइज़र थे. तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो काइंड ऑफ हमारा हैरड डोमर मॉडल पे था, ठीक है. लेकिन जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये तो बहुत आपने सुना होगा बहुत बार, कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो हमारा महालनोबिस ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है. अब सेकेंड 5 ईयर हमारा महालनोबिस ग्रोथ मॉडल पे क्यों बेस्ड था, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया. क्यों, अगर इतना अच्छा मॉडल है तो हमने उसका सेकंड तक का वेट क्यों किया? फर्स्ट, सबसे पहले तो पार्टीशन हुआ था, ब्लड शेड हुआ था बहुत ज़्यादा. तो 1947 में ब्लड शेड हुआ, 1951 में आपका पहला 5 ईयर प्लान आया है आफ्टर 5 ईयर्स. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आपका 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी. तो बेटा उसमें समझने वाली बात यह है कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत ईजी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, पार्टीशन के साथ इंडिपेंडेंस मिली थी. और जो पार्टीशन है वो अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैं इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ब्लड शेडेड इवेंट है. यानी कि इतने लोग डिस्प्लेस्ड हुए, इतना खून खराबा हुआ कि उस टाइम पे ना हम मॉडल वॉडल का सोच ही नहीं सकते थे, हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. पहला रीज़न. दूसरा ये था कि रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत था. रिफ्यूजी क्राइसिस का क्या मतलब है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है. और जब पाकिस्तान में हिंदू थे वो दिल्ली में आके सेटल डाउन हो गए. तो जब आप एक बहुत टर्मोइल से निकल कर आते हो, जैसे कि अभी अभी आपका इंडिपेंडेंस हुआ है, फिर पार्टीशन हुआ है, तो आर प्लानर्स, आर फ्रीडम फाइटर्स, जो भी इनिशियल गवर्नमेंट जिन लोगों ने बनाया, दे डिसाइडेड कि लेट्स थिंग्स गेट सेटल डाउन फर्स्ट. जैसे कि क्या होता है, कई बार आपको अगर सिविल की तैयारी शुरू करनी होती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी शुरू करनी होती है, तब सडनली तैयारी शुरू नहीं कर देते हो आप, पहले मेंटली प्रिपेयर होते हो. फिर कुछ लोग घूमने जाते हैं, ब्रेक लेते हैं कि लेट्स टेक ए ब्रेक, क्योंकि अब हम बड़े काम पे लग रहे हैं. इसीलिए इसको सेकेंड 5 ईयर प्लान में अडोप्ट किया गया. तीसरा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और हमें पाकिस्तान को भी कुछ पैसे देने थे अंडर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है. और हमारी और भी ऑब्लिगेशंस थे और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करना है. जो मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से हमने अडॉप्ट किया, जो मैं आपको बहुत पहले समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने वो सब. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा इन सब चीज़ों से कि ये जो है ना, ये जितना भी पूरा कंप्लीट सिनेरियो है कि आवर प्लानर टुक द टाइम टू अंडरस्टैंड द नीड एंड द रिसोर्स एलोकेशंस, दे जस्ट नीडेड टाइम. इसीलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको अडॉप्ट किया गया. अब हम समझते हैं कि मालनोबिस ग्रोथ मॉडल है क्या. अगर मैं एक लाइनर में आपको बोलूं, अगर आपको किसी को वन लाइनर बोलना है, तो मालनोबिस ग्रोथ मॉडल वो मॉडल है जिसमें यह एम्फेसाइज किया गया कि हम कैपिटल गुड्स बनाने पर फोकस करेंगे और हमारा जो फोकस होगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन होगा, वो कैपिटल गुड सेक्टर्स की तरफ जाएगा. तो ये इसका प्राइमरी मोटिव था, प्राइमरी पर्पस था, ठीक है. इन्होंने क्या बोला, टू अचीव रैपिड लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ इट वुड बी एसेंशियल टू डिवोट ए मेजर पार्ट. जो प्लानिंग कमीशन का स्टेटमेंट है वो मैं एग्जैक्ट कोट कर रही हूँ. टू अचीव रैपिड लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ इट वुड बी एसेंशियल टू डिवोट ए मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आउटले टू बिल्डिंग ऑफ बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर हमको रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए,
यानी कि हमको रैपिड ग्रोथ भी चाहिए और जो लॉन्ग टर्म भी हो. तो हम क्या करें, हम अपना इन्वेस्टमेंट बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में करें, इन्वेस्टमेंट इन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है, अब इसमें एक चीज इन्होंने एज्यूम की, इन्होंने क्या एज्यूम की वो मैं आपको बता देती हूं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है, हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो रेट ऑफ सेविंग्स पर डिपेंड नहीं करेगा. हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो रेट ऑफ सेविंग्स पर नहीं डिपेंड करेगा. तो आपका अगला सवाल होगा, मैम अगर हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि सेविंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रोथ होगी. बिल्कुल, मैं भी यही पढ़ती आई थी जब तक मैंने मॉडल नहीं पढ़ा था. तो इन्होंने अज्यूम किया, इन्होंने अजम्पशन ली कि आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो रेट ऑफ सेविंग्स पर डिपेंड नहीं करेगा. तो किस पर डिपेंड करेगा, आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज में आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसमें डिपेंड करेगा. समझ में आया, यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ है वो सेविंग्स पर नहीं डिपेंड करेगा. ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया कि हैवी इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्ट करना है, ये इन्होंने अज्यूम किया. अब देखते हैं कि जो इन्होंने अज्यूम किया कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज है, ये होगी कैसे एक्चुअल में. देखिए, ग्रोथ ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी. सबसे पहली जो चीज है उसमें, ग्रोथ ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज में सबसे पहली तो यह है कि हम सबसे पहले तो यह है कि प्रोपोर्शन क्या है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल सेक्टर. यानी कि जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कैपिटल गुड्स पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा आउटपुट कैपिटल रेशो क्या है, आउटपुट कैपिटल रेशो क्या है. बहुत धीरे धीरे, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझेंगे. बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि मैम आप बहुत धीरे पढ़ाते हो. इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि हर बच्चा इकोनॉमिक्स लेके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर रहा होता है. हर बच्चा एमए बहुत अच्छे से करके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा होता है. यूनिफॉर्म कोर्स है तो एक बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड से लेकर चलना पड़ता है कि किसी को एडवांटेज नहीं है, किसी को डिसएडवांटेज नहीं है. इतना समझ में आया कि हमने डिसाइड किया कि अगर हमको रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो हमको इन्वेस्टमेंट करना है बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में, और हमने अज्यूम किया कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो रेट ऑफ सेविंग्स पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करेगा. अब जो हमारे ग्रोथ ऑफ कैपिटल सेक्टर्स है, अब हमने देखे यहाँ पे हमने सबसे पहले डिसाइड किया बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में करना है. बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में क्यों करना है, क्योंकि वहां से रेट ऑफ ग्रोथ आएगा. अब हैवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट कैसे डिपेंड करेगी, दो चीजों पर डिपेंड करेगी. जो हमारे पास सारा पैसा है उसमें से कितना पैसा हमने कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट किया, और आउटपुट कैपिटल रेशो क्या है. आउटपुट कैपिटल रेशो क्या होता है कि अगर हम कितना कैपिटल लगाने पे कितना आउटपुट हमको मिलेगा, यानी कि अगर हम 100 रुपए लगा रहे हैं तो उससे हमें आउटपुट कितना मिलेगा. ये बेसिक प्रीवाइस है. अब आगे देखते हैं इस मॉडल में आगे क्या है. तो मान लो कि इसने क्या बोला था, परसेंट ऑफ कैपिटल गुड इन्वेस्टमेंट के टर्म में वो हर साल बढ़ना चाहिए. अब मॉडल देखते हैं, उन्होंने बोला दो सेक्टर मॉडल. ठीक है, दो सेक्टर मॉडल में एक आपका हो गया कैपिटल गुड्स, एक आपका हो गया कंज्यूमर गुड. कैपिटल गुड्स जिसको हम के से डिनोट करते हैं, देन कंज्यूमर गुड जिसको हम सी से डिमेंड करते हैं. ठीक है, कैपिटल गुड हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया, इसके बाद में लैम्डा के. लैम्डा के क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ
टोटल इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल गुड्स? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल गुड्स, यानी कि जितना भी पैसा है उसमें से हमने कैपिटल गुड्स में कितना इन्वेस्ट किया। देन लैम्डा सी, लैम्डा सी क्या है? सेम प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कंज्यूमर गुड्स। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, डेल्टा के प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू वन होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा ब्रेन लगाइए और मुझे बताइए, डेल्टा सी इज इक्वल टू वन होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर हमारे पास 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 100% हमारे पास है, 100% में से अगर हम 70% कैपिटल को दे रहे हैं और 30% अगर हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो व्हाट यू थिंक बेटा? 70-30 अगर हमने इस तरीके से दिया, तो यही तो बात हमने लिखी हुई है कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 1 है, उसका कुछ प्रोपोर्शन हमने कैपिटल गुड्स को दिया, उसका कुछ प्रोपोर्शन हमने कंज्यूमर गुड्स को दिया। जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बीटा के, बीटा के क्या है? मार्जिनल आउटपुट क्रिएशन, मार्जिनल आउटपुट रेशो इन कैपिटल सेक्टर, ठीक है। कैपिटल सेक्टर में क्या है? मार्जिनल आउटपुट रेशो। इसी तरीके से बीटा सी क्या है हमारा? बीटा सी क्या है हमारा? मार्जिनल आउटपुट रेशो इन कंज्यूमर गुड। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि आप लोगों ने ना बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा कि मार्जिनल क्या होता है। मतलब अगर किसी ने बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हो, सबसे पहले यही लेक्चर लिया है, तो मैं बता देती हूँ मार्जिनल क्या होता है बेटा। चेंज होता है, इंक्रीज, इंक्रीमेंट होता है, या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि पहले मैंने अगर एक सेब खाया तो मेरे को 100 यूटिलिटी मिली, मैंने दूसरा सेब खाया मेरे को 80 यूटिलिटी मिली, तो मार्जिनल क्या है इसमें? 20। कितने मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मेरी? 20। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो जहां पे भी हम मार्जिनल की बात करते हैं ना, तो मार्जिन कितना है? मार्जिन, मार्जिन जब हम, मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शर्ट किसी ने बनाई, उसने बनाने के बाद एक सेलर को बेच दी, सेलर को लेस से 200 रुपये में बेच दी और मैंने इसको 250 रुपये में खरीद दिया, तो जो मार्जिन कितना है? सेलर ने जो बेची और जो मैंने उसको पैसे दिए, 50 रुपीज का मार्जिन है ना। तो एक नेक्स्ट एडिशन में, एक नेक्स्ट स्टेप में कितना चेंज है? दैट इज मार्जिनल। चेंज कितना है? कितना मार्जिनल है, ठीक है बेटा। तो जो मार्जिनल आउटपुट रेशो है, यानी कि मार्जिनल आउटपुट रेशो का क्या मतलब है? मार्जिनल आउटपुट रेशो का सीधा सीधा इतना मतलब है बेटा कि अगर हम इस सेक्टर में, कैपिटल सेक्टर में अगर हम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो हमारा आउटपुट कितने से बढ़ेगा? 20 से बढ़ेगा, 30 से बढ़ेगा, 40 से बढ़ेगा। सेम वे इधर, मार्जिनल आउटपुट कैपिटल, ठीक है। अब थोड़े पैरामीटर्स देखते हैं, वाई नोट, सी नोट, आई नोट। Y क्या है? इनकम। नोट का क्या मतलब है? बेस पीरियड में, यानी कि जहां से हम ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे। सी नोट क्या है? कंजम्पशन, कहां पर? बेस पीरियड में, यानी कि जहां से हम कंजम्पशन को नोट करेंगे। आई नोट क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बेस पीरियड। अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो वाई टी सी टी आई टी, वाई टी सी टी आई टी क्या है कि जिस ईयर में हमको अपना कंजम्पशन मेजर करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये मेरा प्रोपोर्शन है, ये मेरा प्रोपोर्शन है, यानी कि मैंने कितना कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया, और ये मेरा प्रोपोर्शन है कि जितना मैंने कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट किया। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूं, यानी कि मेरा अगर एक आईटी है, तो आईटी मेरा दो पार्ट में सेग्रीगेटेड है, एक कैपिटल में, कैपिटल सेक्टर में,
और एक कंज्यूमर सेक्टर में, ठीक है। तो जब हमारा कैपिटल सेक्टर में है तो कैपिटल सेक्टर का प्रोपोर्शन क्या है हमारा, लैम्डा के, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, आईटी। हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या है, लैम्डा सी, इन्वेस्टमेंट आईसी, ठीक है, समझ में आया। यानी कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लैम्डा के आई टी प्लस लैम्डा सी आई सी। इतना समझ में आया, इसको ना मैं इस तरीके से आई लिख देती हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बेटा आई है, ये जैसे ये आई है। तो आप ये समझिए कि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा। मुझे अगर 100 रुपए का इन्वेस्ट करना है तो 100 रुपए में से लेट्स से मैंने 30 रुपए कैपिटल सेक्टर में इन्वेस्ट किए और 70 रुपए मैंने कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्ट किए, या वाइस वर्सा जिस भी तरीके से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मेरा प्रोपोर्शन क्या है, उस प्रोपोर्शन के रेस्पेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट पहले सेक्टर का, ये क्या है, कैपिटल सेक्टर का। उसी तरीके से मेरा इसमें प्रोपोर्शन क्या है, कंज्यूमर सेक्टर का, ठीक है। कैपिटल कंज्यूमर दोनों क्या है, मेरे को पता चल गया। अब इतना समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में रखते हैं। अब डेल्टा आईटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन पीरियड टी, ठीक है। डेल्टा सीटी क्या होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट किसमें, कंज्यूमर सेक्टर्स में, ठीक है। अब मेरे को अगर आईटी निकालना है तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ। आईटी का मतलब क्या है, कि चेंज का क्या मतलब है। अगर मुझे 2022 और 2021 का चेंज निकालना है, यानी कि 2021 में कितना इन्वेस्टमेंट था और 2022 में कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट का लेवल 2021 और 2022 में चेक करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास देखिए सिंपल सा ऑप्शन है कि मैं जो 2022 में से 2021 का लेवल घटा दूँ, यानी कि एक साल पीछे जाके अगर मैं घटा दूंगी, मेरा जो आज का लेवल है और जो एक साल पहले का लेवल था, अगर मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा एक साल का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, लॉजिकल। तो आईटी माइनस आईटी माइनस वन, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या मैं इसको किसी और तरीके से लिख सकती हूं, जब मैंने इन्वेस्ट किया तो उस इन्वेस्टमेंट से एक आउटपुट बना होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि जो मार्जिनल आउटपुट है, अगर मैं ये कहूं कि जो मेरा मार्जिनल आउटपुट है, ये जो मार्जिनल आउटपुट की बात हो रही थी बीटा के जो हमने लिया हुआ था, क्या वो इन्वेस्टमेंट हमारा शो कर सकता है किसी भी तरीके से, बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है मैम, देखिए मार्जिनल आउटपुट जो है हमारा, वट एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड मार्जिनली, तो जो मार्जिनल आउटपुट है उसका मतलब चेंज ही तो है। पिछले साल कितना प्रोड्यूस किया, इस साल कितना प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस किस वजह से किया, इन्वेस्टमेंट की वजह से किया, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा के लैम्डा के आई टी माइनस वन। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, पिछले साल में जितना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि 2021 में इन्वेस्टमेंट मैंने किस प्रोपोर्शन में कैपिटल सेक्टर में किया, यानी कि 100 में से मैंने 30 रुपया दिया या 40 रुपया दिया वो, और उसका मार्जिनल आउटपुट कैपिटल क्रिएशन क्या है, मार्जिनल आउटपुट क्या निकलेगा उससे, ये सब मिलके मेरा इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, अब आप बताइए। यानी कि 2021 में मैंने जितना पैसा कैपिटल गुड सेक्टर में डाला और उस कैपिटल गुड सेक्टर्स ने कितना प्रोड्यूस किया, दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर ना नेक्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है बट खत्म होने वाला है। इस तरीके से अगर हम कैपिटल गुड का निकाल सकते हैं तो इसी तरीके से हम कंज्यूमर गुड का भी निकाल सकते हैं। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई सेम लॉजिक से। अब हमारा
इनकम क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन क्या है हमारा? दिस इज आर कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड सेक्टर्स पे जो हमने खर्च किया है, इज इक्वल टू बीटा सी लैम्डा सी प्लस आई टी माइनस वन। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हमने कैपिटल गुड सेक्टर्स पे खर्च किया, बीटा के लैम्डा के आई टी माइनस वन। किसके इक्वल है ये? वाई टी के इक्वल है, वाई टी के इक्वल है। ये क्या आ गई हमारी? इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन आ गई है। किसकी? महालनोबिस ग्रोथ मॉडल। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो दिस इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आप इसको फर्दर मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर आप थोड़ा सा करेंगे, तो इट विल बी लाइक वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट। ये मैनिपुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मैनिपुलेशन जो बच्चे पीएचडी करते हैं उनका पार्ट है, आपको सिर्फ समझना है। आप उसको अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो इवन दैट इट्स फाइन। वन प्लस बी सी लैम्डा सी प्लस बीटा के लैम्डा के डिवाइडेड बाय लैम्डा के प्लस बीटा के प्लस लैम्डा के बीटा के की पावर टी माइनस वन। ठीक है, ये जो हमारा आया है अल्फा, अल्फा जीरो इज इक्वल टू, यानी कि कितना आपको, देखिए मैंने ये ना आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया, आपको ये वाली इक्वेशन ना एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं बस बता रही हूं कि इस तरीके से हम लिखते हैं, और बहुत सारी जो बुक्स है ना उसमें सीधा अल्फा लिख देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अल्फा क्यों, देखिए मैं अल्फा की डेरिवेशन इसलिए नहीं करा सकती हूँ क्योंकि ये इसमें ऐसे भी बच्चे जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब मुझे डेरिवेटिव आता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है। जब आपको पता है कि अगर हम किसी भी ग्रोथ मॉडल की टाइमलाइनिंग करते हैं तो वो हम उसको उससे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं। लेकिन इस क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास, जिन्होंने बिल्कुल डिफरेंशियल इतने अच्छे से नहीं आता है, और ट्रस्ट में एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये एक पता होना चाहिए कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन है ये कैसे बन के आई है, और उसके बाद में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वो कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप सीधा इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा आपका ग्रोथ है दैट विल बी द प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट। हम अपने इनकम का कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में, ये वही है इनिशियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब हमको ये समझ में आ गया कि महालनोबिस ग्रोथ मॉडल ने क्या कहा, उसकी इक्वेशंस क्या थी। अब हम इसके कुछ और एस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। अब हम रेशनली देखते हैं कि रेशनली क्या है, कहाँ कहाँ ये सही है। तो इसके सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि ओनली फॉर शॉर्ट रन, ओनली फॉर शॉर्ट रन क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बीटा सी इज ग्रेटर देन बीटा की, बीटा हमने क्या माना था, बीटा हमने माना था कि जो हमारा मार्जिनल आउटपुट कैपिटल है वो कैपिटल सेक्टर्स में कैसा है, यानी कि क्या अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये कंज्यूमर गुड है, ये कैपिटल गुड है। हमने ये मान लिया कि हम अगर कैपिटल गुड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा हमारे पास ग्रोथ आएगी, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं, इंसान चीज़ें मानने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। हमने ये माना, पर पॉइंट ये है बेटा कि क्या सच में रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है। जब हमने इसका रियलिटी देखा तो हमको पता चला कि जो मार्जिनल आउटपुट कैपिटल रेशो है, यानी कि जो आउटपुट कैपिटल रेशो है वो हमारा कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा बेटर है। यानी कि अगर हम 100 रुपये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में लगाएंगे तो हम उसमें से 200 रुपये का आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम कैपिटल गुड्स में सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आउटपुट हमारा हो सकता है 150 का ही निकले। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये केवल शॉर्ट रन के लिए ठीक है, लॉन्ग रन में इट इज नॉट गोइंग टू ग्रेट हेल्प। प्रोफेसर राज है, प्रोफेसर राज ने बोला आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम ना ये इन्फ्लेशनरी गैप को बढ़ाएगा। कैसे? आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, आपने लोगों को हायर किया,
लोगों को सैलरी दी, उनकी इनकम तो बढ़ी। अब इनकम को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन गुड कहाँ है? कंजम्पशन गुड तो है ही नहीं। तो देयर विल बी डिमांड मोर सप्लाई लेस एंड हेंस इन्फ्लेशन। डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो अगर आप कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे कंज्यूमर गुड्स की जगह, तो मार्जिनल आउटपुट रेशियो की वजह से इतना अच्छा आउटकम नहीं निकल के आएगा। दूसरा इन्होंने ये माना कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, दूसरा इन्होंने माना कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग्स पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर सेविंग्स पे नहीं डिपेंड करेगा तो हम पैसा लाएंगे कहाँ से? सेविंग्स पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर हमको कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी लगानी है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो सेविंग्स में जो उन्होंने अज्यूम किया था कि जो रेट ऑफ सेविंग्स है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो दैट वॉज अ रॉन्ग अजम्पशन। आपको रेट ऑफ सेविंग्स चाहिए ही चाहिए, सेविंग्स को मोबिलाइज करके ही तो आप किसी को पैसा दे सकते हैं। तीसरा इन्होंने बोला कि हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, फॉरेन कंट्रीज पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी निकली कि हमने फॉरेन एड्स बहुत कम लिए, हमने इम्पोर्ट नहीं किया। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के मामले में इसने हेल्प किया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमारा बहुत अच्छे से हुआ। और ये बात ना स्टार्टिंग में कही भी गई थी कि अगर हम फॉरएवर इस पर डिपेंडेंट रहेंगे, अगर हम लाइफ टाइम इम्पोर्ट करते रहेंगे तो हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारा जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, हमारा जो डिफेंस है, वो सब ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस एस्पेक्ट में इसने काफ़ी हेल्प किया। ठीक, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। क्या इसने एम्प्लॉयमेंट दिया? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा कि हमने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को अडॉप्ट किया। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को जब हम बेटा अडॉप्ट करते हैं ना, तो कैपिटल इंटेंसिव में हम लेस लेबर को अडॉप्ट करते हैं। तो ऑल्दो हमारी इनकम बढ़ी, हमारा आउटपुट भी बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लोगों में इतना नहीं बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं किया, हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट किया। और जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस हैं वो कम रह जाता है। तो जब हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला जो पोर्शन था ये बहुत वीक रह गया, यानी कि जो हमने एम्प्लॉयमेंट जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया, तो उसी के सोल्यूशन में टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, मान लो इसने ना फिर दो सेक्टर की जगह फोर सेक्टर मॉडल दिया। मान लो इसने क्या किया, फोर सेक्टर मॉडल दिया। फोर सेक्टर मॉडल, और ये जो फोर सेक्टर मॉडल था इसमें क्या किया उन्होंने, इकोनॉमी को डिवाइड किया दो पार्ट में। एक तो हो गया कैपिटल गुड, जिसको इन्होंने इंटैक्ट छोड़ दिया जैसा पहले दो सेक्टर मॉडल में था। एक उन्होंने दिया कंज्यूमर गुड, और कंज्यूमर गुड्स को ना इन्होंने फिर फर्दर तीन उसमें डिवाइड कर दिया कि कंज्यूमर गुड्स तीन कैसे होंगे। एक होगा C1, एक होगा C2, एक होगा C3। जो C1 होगा उस C1 में हम बेटा क्या करेंगे, C1 में हमारे कंज्यूमर गुड्स जो कि मैकेनाइज्ड तरीके से बनेंगे, ठीक है, मैकेनाइज्ड यानी कि मशीन की हेल्प से जो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। C2 क्या होगा, C2 क्या होगा, जो हाउस होल्ड्स हैं और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो जो प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, तीसरा आपका हो गया C3 सर्विस सेक्टर। तो मान लो इसने इन फोर सेक्टर्स में डिवाइड किया कि हमको जब उसको रियलाइज हुआ कि केवल कैपिटल गुड सेक्टर्स में
आप नहीं इम्फेसाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको कंज्यूमर सेक्टर पे भी फोकस करना चाहिए, और उन्होंने कंज्यूमर सेक्टर में विद इन कंज्यूमर 3 सेक्टर्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया, यानी कि कंज्यूमर गुड्स में मशीन से जो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे, जो घर में बनेंगे, और जो सर्विस सेक्टर होगा। ठीक है, अब उन्होंने ये मॉडल दे दिया कि हमको सब पे इक्वल इम्फेसाइज करने की जरूरत है, बट रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ बेटा? हमने ये तो बोल दिया कि हमको कॉटेज इंडस्ट्रीज पे इम्फेसाइज करना चाहिए, ये मॉडल में इंक्लूड कर दिया, पार्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी में उसको फाइनेंस नहीं मिला, रिसोर्सेज नहीं मिले, जितनी चीजें मिलनी चाहिए थी वो सब नहीं मिली। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज नहीं दिए, केवल इम्प्रूव हुए प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, बट कोई सिग्निफिकेंट एफर्ट नहीं डाला गया कि हाँ जितना फोकस, एक एक माइंडसेट की बात है। हमको ये माना गया कि कैपिटल गुड्स के साथ में कंज्यूमर गुड्स इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं माना गया कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और हमको उस पर फोकस करने की जरूरत है। उसमें ना तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, ना आपको मैन पावर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, ना कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, ना कोई प्रोडक्टिविटी का उसमें एम्प्लॉयमेंट किया गया। और जो प्रोडिक्शन है वो, क्योंकि अब जो सरकार है, जब तक वो आप उसको एक्टिवली इम्फेसाइज नहीं करेगी तब तक उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो रियलिटी में क्या हुआ कि उसको इतना इम्फेसाइज नहीं किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।